राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि चैलेंज रिस्पांस आंसर की आ चुकी है, तो सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं और उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होगी ये जानने की क्या उनका कोई चांस है इस बार नेट क्लियर करने का या उनका कोई चांस नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स की टेंशन को थोड़ा कम करने के लिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रही हूँ, जिससे कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो ये पता लगा सके कि उनके कोई चांसेस हैं या नहीं। अगर उनके कोई चांसेस नहीं हैं तो वो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर सके, और जिसके कोई चांस हैं वो स्टूडेंट टेंशन फ्री होकर अपने रिजल्ट्स का वेट कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको जिन सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बताने वाली हूँ वो हैं पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताने जा रही हूँ, ये स्टूडेंट से जो बात हुई, जो एनालिसिस है पेपर का, उसके बेसिस पे मैं बताने जा रही हूँ। और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके अलग भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस बार पेपर्स आए थे वो जून के अकॉर्डिंग थोड़े टफ आए थे। जो जून 2019 में जो पेपर्स आए थे उसके अकॉर्डिंग सभी पेपर्स थोड़े से टफ आए थे, तो इसलिए जो इस बार के कट ऑफ्स हैं वो थोड़ा सा डाउन जाने वाली है, वो गिर सकती है कट ऑफ। कोई भी कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। ओके, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं, उन पर हम कुछ नज़र डाल लेते हैं इस बार की कट ऑफ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ है जनरल में, वो हमारा जेआरएफ के लिए 62 से 65% तक जा सकता है, और नेट के लिए जा सकता है 54 से 58% तक। और एससीएसटी के लिए जेआरएफ के लिए 54 से 57% और नेट के लिए 44 से 48% तक जा सकता है। और ओबीसी के लिए जेआरएफ के लिए 58 से 62% और नेट के लिए 48 से 52% तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 62% और नेट के लिए 46 से 48% तक जा सकती है। ओके, उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में 60 से 64% फॉर जेआरएफ जनरल कैटेगरी के लिए, और नेट के लिए जनरल कैटेगरी में 54 से 58% तक। और एससी एसटी की कैटेगरी में 52 से 55% फॉर जेआरएफ एंड नेट के लिए 42 से 45%। और ओबीसी के लिए जेआरएफ के लिए 56 से 60% और नेट के लिए 45 से 48%। और ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ के लिए 56 से 60% और नेट के लिए 45 से 47% तक इस बार का कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी के लिए जेआरएफ में 64 से 60% तक, 66% तक, और नेट के लिए 56 से 58% तक इस बार का कट ऑफ जा सकता है। और एससी एसटी में जेआरएफ के लिए 54 से 58% और नेट के लिए 45 से 48% तक जा सकती है। और ओबीसी के लिए जेआरएफ के लिए 58 से 62% और नेट के लिए 48 से 52% तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ 57 से 59% और नेट के लिए 46 से 49% तक ये जा सकती है। ओके, उसके बाद देखिए हम मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन के अंदर जनरल कैटेगरी में यह कट ऑफ 64 से 65% तक जा सकती है जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 56 से 60%। ओके, उसके बाद एससी एसटी के लिए जेआरएफ 55 से 58% और नेट के लिए 48 से 52% तक जा सकती है। और ओबीसी के लिए जेआरएफ 60 से 62% और नेट के लिए 50 से 55%। और ईडब्ल्यूएस के लिए जेआरएफ 58 से 62% और नेट के लिए 48 से 50%। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 60 से 64% और नेट के लिए 52 से 55%। और एससी एसटी में 52 से 55% फॉर जेआरएफ एंड 45 से 48% फॉर नेट। एंड ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, ओबीसी में जेआरएफ के लिए 56 से 60% और नेट के लिए 48 से 52% तक ये कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में ये 56 से 59% तक जा सकती है जेआरएफ के लिए और 46 से 48% नेट के लिए। उसके बाद अब बात करें हम मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 66 से 70% और नेट के लिए 58 से 62% तक जा सकती है। वहीं एससी एसटी में ये जेआरएफ 60 से 64% और नेट के लिए 48 से 52%। ओबीसी के लिए जेआरएफ में 62 से 65%
और नेट के लिए 52 से 55 तक जा सकती है, और EWS में JRF के लिए 60 से 62 एंड नेट के लिए 49 से 52% तक ये कट ऑफ जा सकती है। ओके, अब बात करें कॉमर्स की, तो देखिए जो ये कॉमर्स सब्जेक्ट है, ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो कॉमर्स के पेपर की अगर बात करें तो कॉमर्स का पेपर जो आया था इस बार काफ़ी पहले के अकॉर्डिंग, जून के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ बताया जा रहा है, और इस बार इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आई थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसके अंदर दो आए थे, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो ऐसा था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसका आंसर हम कैसे लगाएं, मतलब किस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो ऐसे थे जो काफ़ी टफ आए थे, तो इस बार का जो कट ऑफ जा सकता है कॉमर्स का वो पिछली बार से हाई तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि इसकी एक से मतलब 2% तो इसके गिरने की उम्मीद ज़रूर है, ज़्यादा भी ये कट ऑफ गिर सकते हैं, 2 से 4% तक भी ये कट ऑफ गिर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले देखिए जनरल कैटेगरी में JRF के लिए 65 से 68% तक जा सकता है, उसके बाद नेट के लिए 56 से 60% तक जा सकता है। SC ST की कैटेगरी की बात करें तो JRF के लिए 55 से 60% और नेट के लिए 48 से 50% तक ये जा सकता है। OBC में JRF के लिए 61 से 63% है और नेट के लिए 51 से 53%, और EWS की बात करें तो EWS में JRF के लिए 62 से 64% है एंड नेट के लिए ये है 50 से 52% तक जा सकती है। ओके, और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी में JRF के लिए 72 से 75% और नेट के लिए 64 से 68%। SC ST कैटेगरी में JRF के लिए 60 से 64 और नेट के लिए 50 से 52%। उसके बाद OBC में 65 से 68% JRF के लिए और 54 से 58% नेट के लिए। उसके बाद लास्ट में EWS में JRF के लिए 66 से 69% तक ये कट ऑफ जा सकती है और नेट के लिए यह 52 से 55% तक यह कट ऑफ जा सकती है। ओके, तो ये कुछ जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। तो अब स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके नेट क्लियर होने के कोई चांसेस हैं या नहीं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।